हम इम्तहान देते हैं जिंदगी में, मकासद का तय्यन करते हैं और कुछ बनना चाहते हैं और बन नहीं पाते, या सोचते रहते हैं कैसे बनेंगे, क्या कुछ किया जाए, या कोई चीज अचीव क्यों नहीं हुई, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो मैंने आज इस पर गौर किया तो मैंने देखा कि इंसान को वो चीज मिलती है जिसके लिए उसमें सलाहियत पैदा होती है, सलाहियत पैदा होने से पहले उसको नहीं मिलती। चीजें आपके करीब उस वक्त आएंगी जब आप में सलाहियत पैदा हो, जिसको मैं कैपेसिटी कहता हूं। तो बुनियादी चीज क्या हुई, अपनी तरबियत करना, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना, अपने नॉलेज को एनहांस करना, यही CSS है। जिस दिन मैं आपको बताऊं, छोड़ दें आप इस सिफारिश को, कनेक्शंस को, बिल्कुल यूं समझे कि सिफारिश और कनेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी जिंदगी में अमल दखल एक है, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक कैपेसिटी एनहांस मैंने करनी है, और अगर ये एनहांस हो गई तो आपको यकीनन उसका रिवार्ड मिलना है और इम्तिहान में आपने पास होना है। हमारे एक साथी CSS किया, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के कितने कितने बड़े अफसर बनकर रिटायर हुए, क्या वो कनेक्शन वाले थे, लेकिन उनके इल्म की सतह यहां पहुंच गई थी कि ये सिस्टम मजबूर हो गया उनको पिकअप करने में। देखें, इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी का पेपर है ना, एक इंग्लिश ऐसे का क्यों डाल दिया। अब अंदाजा करो, आपकी सलाहियतें जांचने के अंदाज देखो, उसमें भी कंपोजिशन का पार्ट है कि एक लाइन होती है या वर्ड होता है कि आप इस पर 35 मिनट्स में लिखें, फिर एक पैराग्राफ है उसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं कि जनाब जवाब वहां से निकाले, ये कुछ EDM है जी आप देखें इसको, समझते हैं इसको, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, या एक पैराग्राफ है इसका प्रेसी बना के दिखाएं, क्या इसके मफहूम को समझते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन जज कर रहे हैं, फिर आपको किसी खास मौजू पर वसी लेवल पर पूरे के पूरा इंटेलेक्चुअल के तौर पर पूरे का पूरा एक ऐसे क्या हाँ जी पूरे लिख के दिखाओ, 3 घंटे खुला टाइम दे दिए, पूरी आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जज हो रही है कि आप उस लैंग्वेज में कन्विंसिंग अंदाज से बात करने के अहल हैं। फिर आप कहते हैं कि दुनिया की साइंटिफिक छोटी छोटी चीजों को जानते हैं आप, जनरल साइंस में हो आप, कक्षा के किया है, फिर आप मुसलमान हैं और आलम इस्लाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया का, क्या इसके बेसिक्स को सही पर्सपेक्टिव में समझते हैं, फिर पाकिस्तान जहां आप पैदा हुए, जिस मुल्क में आपने सर्व करना है, इसकी हिस्ट्री को जानते हैं, ये तखलीक कैसे हुआ, ये इब्तदा में कैसे चला, किन मसाइल से गुजरा, और इसने मसाइल को ओवरकम कैसे किया, और इस वक्त किन मसाइल में है, और इनको मसाइल का हल क्या है। फिर ये नहीं यही बात रोकी, फिर आपको एक और जगह टेस्ट किया कि सारी दुनिया के इश्यूज क्या हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उन पर आपकी राय क्या है, और दुनिया में इतने अलायंसेज बने हुए हैं बेशुमार, क्या तुम उन अलायंसेज की बैकग्राउंड को समझते हो, ये क्यों बनते हैं, कुछ कामयाब हुए कुछ नाकाम हुए, क्या इसकी वजह को समझते हैं, फिर ये दुश्मनियां और दोस्तियां इसके पीछे क्या चीज होती है, दुनिया में जंगें क्यों हुई हैं, और अगर जंग रुकती है किसी वादे के तहत और फिर एक और जंग में तब्दील होती है, तो क्या वादे गलत थे, वादों में क्या गलती होती है कि जो दूसरी जंग की फाउंडेशन ले डाउन कर देती है। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात होने वाले वादे की सेवरेज और वर्सेज ट्रीटी के वाले से बात कर रहा हूं कि दैट सोड द सीड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अब ये आपकी चीजें चेक होनी है। देखें, किताबें भरी पड़ी हैं नॉलेज से, बेटा बात एक जगह रुकती है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, आप बात को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं बिफोर द इंटरव्यू कमेटी, वो एक सेकंड में जज कर लेगी ही और शी इज द मैन और द गर्ल। नुकता तो ये था, आप वो बनेंगे, जरूर बनेंगे, जिसकी आप में सलाहियत पैदा हो जाए। फोकस किस बात पर है, सलाहियत पैदा करने पर रखें। ये जो दुनिया का मामूल है ना थर्ड वर्ल्ड का, कि कनेक्शंस, नेटवर्किंग, तल्लुकात, इन्फ्लुएंस, पुट ए बिग क्रॉस ऑन ऑल दीज थिंग्स, अपने नॉलेज और विजडम की एबिलिटी को ऊपर लेकर जाएं। और मुझे बताएं, ये 3 बंदे आपकी एकेडमिक डोमेन को नहीं छोड़ रहे अभी तक, यूनान के 3 ग्रेट जीनियस इन्हें कहते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, और वो दुनिया के वेल कनेक्टेड लोग थे, वेल इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनकी को पैसे के लिहाज से सासे थे, उनकी बिल्डिंग्स बड़ी थी, जजायर के मालिक थे, कुछ भी नहीं थे, उनके पास एक ही असासा था,
उनके इस चैम्बर से काम लेना सीख लिया था, यहां से बातें निकालते थे, सही मायने में सॉवरन और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के मालिक थे। उन पर माशरा कदगने नहीं लगा सकता था, वो माशरे से डिस्टिंग्विश हुए एक ही बात पर, माशरे को खुद पर उन्होंने असरअंदाज नहीं होने दिया, आजाद हो गए। यकीन करें सारी थर्ड वर्ल्ड इस वक्त महकूम है, ये आजाद नहीं है। इस सारी थर्ड वर्ल्ड में आप आजाद हो सकते हैं अगर आज ही आप आजादी से सोचना शुरू कर दें और बात करना शुरू कर दें। यहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। ये जो लोग अचीव करते हैं, बड़ा बन जाते हैं, क्या इनको सेटबैक्स नहीं मिलते? क्या इनको टेम्परेरी फेलियर से सामना नहीं करना पड़ता या मिसहैप्स नहीं होते? इनके साथ ये सब कुछ होता है, बेशुमार मर्तबा फेल होते हैं, सेटबैक्स में जाते हैं, ब्लंडर कमिट करते हैं। नहीं अगर मेरी बात पर यकीन तो अभी गूगल पर अब्राहम लिंकन का लफ्ज लिखें और साथ लिखें उसकी फेलियर्स कितनी थी बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फेलियर्स। क्या उसमें खूबी थी? फिर ही नेवर गेव अप। दिल में जो उसके पैशन था, मैंने इस डिस्टिंग्विश पोजीशन पर जाना ही है। सेटबैक्स को तो यूं लेता था कि दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ माय लाइफ, इन पर तो मैंने कदम रख रख के आगे बढ़ना है। ये जो एरर्स मैं कमिट करता हूं, जो मिस्टेक्स कमिट करता हूं, जो ब्लंडर कमिट करता हूं, जो मिसहैप्स होते हैं, जो इवन नेचर की तरफ से आ जाते हैं, मेरी फैंसी मर गई, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मेरी मोहब्बत बड़ी उससे थी, क्या मैं रुक जाऊं? मेरी जिंदगी रुक जाए? दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, कई दिन मैं सो नहीं सका उसकी याद में, लेकिन बिलाखिर मैंने कहा आगे बढ़ना है, जिंदगी को रुकना नहीं चाहिए। वो अल्लाह ने ऐसे ही चाहा था, उसकी इतनी जिंदगी थी। गोया के मुझका एक टेस्ट था कि आपकी जिंदगी में आपके इंतहाई अजीज मुमकिन आपके साथ ना रहे, बट यू हैव टू टॉलरेट दैट, यू हैव टू एक्सटेंड फोर्टिट्यूड एंड पेशेंस फॉर दैट, बट कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, अल्टीमेटली यू विल टच दैट हाईएस्ट स्लॉट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ही टच दैट, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर बात यही नहीं रुकी, ही वॉज ए मैन ऑफ आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा सिविल वॉर स्टार्ट हुई, क्या यूनाइटेड स्टेट को तकसीम होने दे, प्रोब स्लेवरी एंड एंटी स्लेवरी? उन्होंने कहा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स तकसीम नहीं होगा, स्लेवरी एंड कर देंगे, एंटी स्लेवरी यूनाइटेड स्टेट्स को बनाऊंगा, क्योंकि डिमांड हो गई कि जी आधा आधा कर दो, चूंकि आधी स्टेट प्रो स्लेवरी है। नो, यू सी, ये है हैविंग वन्स ओन कन्विक्शंस, मैन ऑफ कन्विक्शंस। तो दूसरी यानी खसूसियत मैंने ये बताई कि आपने जो इरादा कर लिया, जो पैशन ठान लिया, उसके रास्ते में आने वाले जो रुकावटें हैं उसको आपने इजाजत नहीं देनी कि आपको वो रोक दे, खड़ा कर दे और घर जाने पर मजबूर कर दे। नो।